वेलकम बैक टू माई यूके की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है जी फ्राई आलू गोभी रेस्टोरेंट स्टाइल की, और ये आपके सामने रेसिपी पड़ी है। मम्मी आज आपको बताएंगी कि वो किस तरह और डिफरेंट स्टाइल से आलू गोभी बनाएंगी जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में बनती है। और एक और बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज मम्मी के साथ साथ एक और शेफ़ आ रहे हैं हमारे रेसिपी में, तो वो हम आपको बाद में मिलवाते हैं। तो मम्मी फिर आपको बताती हैं कि आज हमने ये कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ। ये है आलू गोभी हम बनाने लगे हैं। तो इसके साथ आज एक और मेंबर है जो हमारे साथ, जो शेफ है हमारी रेसिपी में शामिल, रेसिपी में हमारा साथ देगा। तो चलो हम उस शेफ को बिना टाइम वेस्ट किए हम शेफ को बुलाते हैं। उसका बहुत बड़ी इंतजार हो रहा है उसका। आओ जी शेफ जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जेड़ा जेड़ा बंदा देखना है, जेड़ा जेड़ा मौजूदा है, अस्सलाम वालेकुम सब नु। अच्छा जी, मैंने ना बुलाया है, आ काम रह गया सी, मैंने देखना पड़ा। आज हम डैडी को भी ले आए, ये मेरे जी फादर इन लॉ हैं, और मैं इनको भी आज रेसिपी में ले आई। मैंने कहा मम्मी के साथ जो है हेल्प करें, तो ये भी हमारे एक और पार्टनर आ गए यूट्यूब के। देखो जी फ्रॉक को आता पहले मैं उतना कर दे जी, या टोपा पा जा बंदर बने यार। देखो ना, अगर आपने शेफ हो, कुकिंग करनी है तो ये तो बहुत जरूरी है। अपने जो बाल कवर किए खाने में, बाल ही बाल हो जाएंगे। शेफ का कम पायर ज्यादा है। मेरी फ्राई भी होंगी तो उसके साथ साथ मैं मसाला भी बनाना शुरू करूंगी। ये गोभी हमने तकरीबन 1 किलो लिया है, एक बड़ा सा फूल था वो मैंने अच्छी तरह काट के मैंने धो के ड्राई कर लिया है। तो अब मैं इसको डालूंगी फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्राई करके गाइस आप बनाएंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी हर रेसिपी जो दूसरों से डिफरेंट हो, तो प्लीज आप जरूर इसको ट्राई करें। चलो करो। जी ये हमारे नए शेफ आए हैं, इनको थोड़ी बहुत कुकिंग आती भी है, तो फिर ये कहते हैं कि मैंने और सीखना है, इसलिए हम इनको लेके आए हैं। कल हम शॉपिंग करने गए थे तो फिर डैडी ने कुकिंग की थी, बड़े मजे की कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई। वो हमें जो मजे की कढ़ाई पसंद आ गई थी, इसलिए फिर हमने कहा क्यों ना हम फिर अब हम इनकी फेवरेट है ये जो गोभी। हाँ जी ठीक है, जो चीजें फेवरेट अपनी सीखो तुसी भी खाओ तो सानू भी खवाओ। नेकी और पूछो ये सब क्यों करती हो आता कैसे तेरे जो तेरे के तो बंदे पीछे काम करते रहे। बंदा भी जावे बंदे को कौन रोकदा, बंदे ने पूछता है कोई नहीं जो नहीं कहा था हमने। अच्छा गाइस, अब हम ये हमने कढ़ाई रख ली है ऊपर, इसमें मैं डालूंगी एक तकरीबन 1/4 बॉल ऑयल का। ऑयल अपने हिसाब से डालें, हिसाब से डालें, मैं कम ही डालूंगी क्योंकि हमारी ये चीजें फ्राई हो रही है, इनके अंदर भी थोड़ा बहुत जो ऑयल होते हैं, अगर हम ज्यादा डालेंगे, पूरा पूरा डालेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक मैंने लिया है मीडियम साइज का प्याज, इसको ऑनियन भी कहते हैं जी। साथ मैंने ये चॉप नहीं किया लहसुन, यह भी मैं इसी प्याज के साथ ही डालूंगी। तकरीबन 12 से 15 जवे है जो मैंने इसके साथ मैंने कर लिया। अदरक मैंने काटा, ये अदरक मैं अभी नहीं डालूंगी। मैंने कहा चलो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, एक तरफ हम मसाला रख लेते हैं, दूसरी तरफ हमारी ये गोभी जो फ्राई हो रही है। हमें जितना प्याज चाहिए था वो हल्का लाइट लाइट गोल्डन सा हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक, लहसुन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं,
ज्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, अगर डार्क करेंगे तो वो जो गोभी का ना कलर चेंज हो जाएगा। लाल मिर्च अद्धी चमची दी क्रश की हुई चिली, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा घर का, तो मिक्स करते हम इसके यूके की दुनिया है जो हम आपको दिखाने लगे हैं। देखो पाकिस्तान में तो है ना नौकर चौकर, गरीब से गरीब नौकर चौकर रखे हुए हैं। इस अमीर कंट्री में अमीर से अमीर जो हो जाए वो लोग भी खुद काम करते हैं, टोटो तक साफ करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने यूके की दुनिया आपको दिखानी है, ये देख लें। इंग्लैंड सर्वेंट के अंदर ने और पाकिस्तान नौकर के अंदर ने पाकिस्तानी के काबू काबू सोपोर भी नहीं पा देता, कहते आ जा थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। जो मिर्ची है वो इसकी बर्न हो रही है, हल्का सा हमने ये छटा लगाना है पानी का। शेफ साहब गल्ला कट करो, कुकिंग से ध्यान रखो प्लीज। कट गया मसाला, गल मुंह ना करी जी। अब ये हमारी गोभी को फ्राई हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, हम 2 से 3 मिनट और करेंगे, फिर उसके बाद हम आलू डालेंगे। जी मसाला हमारा रेडी हो गया, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 4 हरी मिर्चें, आप अपने हिसाब से कर लें। ये गोभी का जो था डिंडल वो मैंने छोटा छोटा काट लिया, इसको हमने फ्राई नहीं करना क्योंकि अगर तेल में डालेंगे तो ये हमें मिलेंगे। इसको हम थोड़ा सा पहले डाल देंगे, गोभी तो ऑलरेडी हमारी आधी कुक हो गई, आधी से ज़्यादा, तो जितनी तक वो फ्राई हो रही है उतनी देर तक हमारी ये चीज़ें थोड़ी सी नरम हो जाए। जी गोभी हमारी फ्राई हो गई है, तकरीबन 8 मिनट हमने इसको फ्राई किया है, ऑलमोस्ट ये कुक है। हाँ मैंने घड़ी अपने पास रखी, मेरा मोबाइल जो है मोबाइल किस पास से जनाब? घड़ी तो बंद ही है नहीं मेरी, देखा अराडो। चलो जी गोभी निकाल ली है, अब हम इसके अंदर आलू अब हम फ्राई करेंगे। जी गाइस हमारा जो मसाला बिल्कुल परफेक्ट होके रेडी हो गया है, अब मैं आलू जो निकालूंगी फ्राई हो गए हैं, ये मैं सीधे इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ। गोभी से पहले हमने आलू डालने हैं कि अगर थोड़ी बहुत कसर है तो वो ये मसाले में पूरी हो जाएगी, तो 2 मिनट के बाद फिर हम डाल देंगे इसके अंदर फ्राई की हुई गोभी। तो गोभी जो है ना बहुत नाजुक है, हल्के हाथों से हमने करनी है, इसलिए आलू हमने डाल दिए पहले। चल जी जल्दी जल्दी रखे, रेस्ट करे वास्ते दोनों हाथ यूज करी दे, देखते देखते चले जी। अब इसके साथ ही हम ये जो गोभी है वो भी हम डालने लगे हैं, हल्के हल्के हाथ से शेफ जी। अच्छा गाइस आलू गोभी बनी है शेफ दी ते हो जाने ईद, कुछ साढ़े घर दे विच लोग आ जिन्हां नूं पसूड़ी पै जांदी है, स्पेशली रोमा ते उहदा हसबंड, रोमा नूं चक्कर काटे किन्ना हाए फ्रिजा ने फोन दी किन्ना फ्रीजर देखदे किन्ना आलू गोभी बन गए मैं की खावां की खावां। ये दरअसल ये पसंद करती है जो अच्छी तरह गोभी मैश की होती है, ये रोमा वो पसंद करती है। तो ये हमारे घर में जो शेफ जी है ये कहते जी खड़ी खड़ी होवे बैठी ना होवे, तकरीबन 5 मिनट के लिए, तो फिर आप डिश ऑफ करते हैं।
गाइस हमारी है फ्राई जो आलू गोभी बन के रेडी हो गई है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, देखते हैं इसकी फाइनल लुक कितनी नाइस है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी सूखी मेथी। पानी पाले गिर गए हैं इसमें। नहीं पानी नहीं ना पाना। तो तकरीबन आधी टीस्पून सूखा धनिया जो ग्राइंड किया आधी हमने पहले डाली है तो आधी हम डाल रहे हैं। चम्मच क्या कर? हाँ जी, आज की रेसिपी तो रेडी हो गई है, रेस्टोरेंट स्टाइल की आलू गोभी और फ्राई आलू गोभी जी। तो अब डैडी जो है टेस्ट करते हैं तो आपको बताते हैं कि फिर इन्होंने आज कैसे बनाई है मिलके। माय मेनू थोड़ा दे ये खाओ। मेरी फेवरेट साड़ी जी ईद होंगी नॉर्मल सब्जियां वाली, इन्हें होंगी है बकरा ईद गोश्त वाली। कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज आप लोग हमारी ये रेसिपी देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम इस तरह की ही डैडी को ला के फनी वीडियो भी हमारी बन जाती है और साथ हमारी रेसिपी भी रेडी हो जाती है। मैं खाते बिजी है, थैंक यू। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।